तो आइए हर सुख कार्य करें भगवान गजानन की पूजा होती है, भगवान गजानन की वंदना होती है, भजनों के माध्यम से भगवान गजानन की वंदना प्रार्थना करें कि दयालु भगवान दुखों को हरने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं, यहाँ पे मंगल ही मंगल कर देना और इस कार्यक्रम को मेरे भी समापन करा देना। सहारा चाहिए
ओ सहारा चाहिए कड़राज जिंदे जन्म जन्म मुनि यह धन कर
के लोग आप और हम सब इस कलयुग को दोष देते हैं कि भैया कलयुग है ऐसा तो होना ही है, लेकिन वास्तव में कलयुग कैसा है? कैसा कल चुप सुन चुप नहीं आज जो नहीं कर दे सेवा भगतर भी नहीं प्यार भगतर भी नहीं मात राम का नाम ही भक्त सागर से पार करने का सीधा माध्यम बाबा तुलसीदास ने बताया है। एक कवि ने लिखा है दो बार जाओ द्वारका त्रिवेणी जाओ तीन बार चार बार काशी में अंग अंग नहाए से पांच बार नैमिसार छह बार गंगा जी ए जी सात बार पुष्कर के आचमन कराए से राम नाथ रंगनाथ बद्री और केदारनाथ ए जी दसों दिशा जाओ अश्वमेघ के कराए से ते ते फल होए कोटि तीर्थन स्नान किए ते ते फल होए एक राम गुण गाए चाहे कदम यहां से कुछ भी न पास होगा दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा रह जाएंगे तड़पते परिवार वाले तेरे रख देगा आग तुझ में पेटा जो खास होगा और कहीं जाएगा भव से पार जो हरि चरणों का दास होगा। आज का मानो अभी आपने देखा इस कोरोना काल में बेटे ने बाप को और बाप ने बेटे को हाथ तक नहीं लगाया, तो इसलिए एक बात तो समझ जाना चाहिए क्या चार दिनों की प्रीति जगत में चार दिनों के नाते पलकों के सब नाते मिट जाते और सबसे बड़ी बात घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं अंत में पिंड दान कर सब अपना पिंड छुड़ाते हैं। इसलिए एक बात समझ जाना चाहिए चार दिनों की प्रीत जगत में बस चार दिनों के नाते इस कोरोना काल में भगवान ने सबको एक बात बता दी कि ये मानव दुनिया में मेहमान है मालिक नहीं। अरे रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने
जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि जाता है। तो जब ये आदम
माँ के गर्भ में होती है उठती रहती है, तब ये भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु तू से नर्क से मुझे बाहर निकाल तेरा वरदान करूंगा। लेकिन संसार में आके भगवान को भी भूल जाते हैं। तो नौ माह गर्भ में तुझे प्रभु से प्यार था, आप और हम सभी इकरार करके भगवान से आए कि प्रभु ये भजन कर तू यहां से मुझे उठा ले।
झुकी है कमर अब, झुकी है कमर अब, यही इंतजार था किया एक प्रभु की कृपा है।